बस भाई यही रोक दे, यही उतरूंगी मैं। ले भैया पैसे। अरे भैया सुनिए 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 सुनिए, बेटा तू साइकिल फूटी जा रहा क्या? हाँ जी। बेटा मुझे बैठा ले मत तक, मैं वहीं जा रही हूँ। आ जाओ बैठो, आराम से बैठियो। चल भैया। माता जी मेरी तो चौकी आएगी, मैं तो यहीं तक जाऊंगा, सामने गाँव में। भैया तू ये लोर लिया आया, थोड़ा सा गांव में को और छोड़ दे मुझे, भगवान तेरा भला करेगा, जी तारा बना रहा तो थोड़ा सा और छोड़ दे मेरे बच्चे। चलो ठीक है। कितनी दूर है घर उनका? बस आए लिया। अच्छा माता जी यही घर है? ये घर है। हाँ जी ठीक है बेटा, जी तारा बना रहा था ना, मैं यहाँ तक छोड़ दे। ठीक है। अरे है के कोई? हाँ जी बताओ क्या बात है? बेटा ये शांति का घर है। हाँ जी, हाँ जी ये शांति का घर है, आइए बताइए क्या बात थी? बेटा आपके घर में कोई बड़ा ना है? नहीं बड़ी तो शांति दीदी है, लेकिन वो अभी खेत पर गई है। आइए आप बैठिए, बताइए क्या बात थी? बेटा मैं शांति का रिश्ता लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए। शांति दीदी का रिश्ता? शांति दीदी का रिश्ता? इन्हें क्या हो गया? शर्मा की दिखे है मुझे लग रहा। अब क्या होगा दीदी, हम तो ये चाहते हैं कि शांति दीदी की शादी दरोगा से हो। ये बात कैसे भी करके चौकी तक पहुंचानी पड़ेगी। उन्होंने नंबर तो दिया है, फोन कर लो। अच्छा वो टेम्पो को क्या रहा पकड़ा था? सर उसका चालान कर दिया था। ठीक है, और वो बिना नंबर की गाड़ी? वो तो सीज कर दी सर तभी। अच्छा कोई आया? अभी तो कोई नहीं आया। हेलो। हेलो हाँ जी, मैं चंद्रो बोल रही हूँ। हाँ चंद्रो, कैसे करा फोन? मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे एक बुढ़िया है, शांति दीदी का रिश्ता लेके है, अब क्या करें? अरे क्या कह रही हो, तुम लोग कुछ करो जो ये बुढ़िया यहाँ से भाग जाए, और हम लोग भी कुछ करते हैं, और ये रिश्ता होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है चलो ड्रामा करते हैं। पर हाँ। करेंगे क्या, उस बुढ़िया को भगाएं कैसे? हाँ। मैं बताती हूँ, उसी वो नहीं आया था जुल्फीसा, हाँ हाँ। शांति दीदी का रिश्ता लेके, हाँ। उसे हमने कूट के भगा दिया था। हाँ। उसकी सिगरेट रह गई थी। अरे हाँ। वो तो मुझे वो, अरे ये नहीं दीदी सिगरेट। हाँ अब चलो। आज गश्त पे कौन कौन है? सर आप जिसे कहोगे वो चला जाएगा। सर तो शांति को कोई देखना है। तू तो हमेशा मनुष्य खबर दिया कर, कभी कोई अच्छी खबर भी दे दिया कर। हाँ जी सर, अभी अभी एक बुढ़िया को मैं उनके घर छोड़ कर आया हूँ, अगर मुझे पता होता ना रिश्ते को आई है तो मैं उसे कहीं और उतार जाता, ये तो साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। क्या सर अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता क्या करें, तुम लोग देखो क्या करना है। अगर शांति की सगाई होगी कहीं और तो मैं तुम्हारी सगाई भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। ना सर ऐसा मत करो, इतना जुलम मत करो। सर आपकी कसम खा रहा हूँ, इसकी कसम, इस चौकी की कसम, अपनी माँ की कसम, मैं इस रिश्ते को होने दूंगा। शाम तक इस रिश्ते को तोड़ने की सूचना आप तक पहुँच जाएगी सर। अगर मुझे वो बुढ़िया मिलगी ना तो उसका ग्राही दबा दूंगा सर, फिर तो टूट जाएगा। अरे जाओ। सर गश्त में किसका नाम लगा? शांति। अरे यार जा, गश्त बाद में हो जाएगी। अब सही कह रहा साहब, जो ये मामला ज्यादा कर रहा, गश्त तो होती रही।
अरे भाई कोई खातिरदारी करो, चाय वाय बनाओ, रिश्ता लेके आई है शांति दीदी का। हेलो, चाय बना के लेके आ। मैं ना बना रही, तू ही बना ले। पहले वो बुढ़िया आई ना, उसके लिए मैंने चाय बनाई। मुन्नी चाय बना के लेके आ। मैं नहीं बना रही चाय, पहले जो बुढ़ा दीदी को देखने आया था मैंने उसके लिए चाय बनाई थी, वो मेरी चाय पीते ही बेहोश हो गया था। हे भगवान। अरे कोई सी जाके शांति दीदी के लिए हुक्का भर लो, आते ही पिएगी वो। कला हुक्का भर ले। मैं ना भर रही हुक्का, हुक्का मेरे अंदर तो माता है। ए लड़कियों, एक हफ्ता हो गया तुम चौकी में हाजिरी देने नहीं आई। हाँ हाँ हाँ, हम शांति दीदी के आते ही आ रहे हैं चौकी में। और हाँ, शांति को भी लेकर आना। ओ बेटा पुलिस वाले, ओ भैया मुझे लेकर चले गया। अरे माता एक सिक्योरिटी सुलगा दे, चिलम तो है ना अभी। पर को मर जा, अरे माता चाय पीती जा। हरी चाय पीएंगे पाप। ओ भैया पुलिस वाले, तू मुझे अड्डा तक छोड़ दे। अरे तू ही तो लाया था मुझे यहाँ, मैं यहाँ कहाँ भूतड़ी में फंस गई। मुझे छोड़ दे भैया, तू तेरा भला करे भगवान। चल माता जी, मेरी बताए ध्यान न रही, मैं ही भूल गया। ये तो तुम बहुत गलत घर में आए है। बेटा तू मुझे छोड़ दे, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। आ जाओ, जैसे मुझे ध्यान आया ना, मैं तो तुरंत चौकी से भागा हूँ तुम्हें लेने। चल बेटा तू बैठ जा, बैठ जा, अड्डे भी छोड़ गाऊंगा सीधा। चल कहाँ पागल फंदे में, चल छोड़ कर आ जा तू, फिर रास्ते में मिलूंगा मैं तुझे। ठीक है ठीक है। माता जी ज्यादा देर रुकना है ठीक ना, जो भी पहली सवारी आएगी उसमें बिठा दूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा, जीता रहा बना रहा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, खूब तरक्की करे तू। लो मयूरी, ओ मयूरी वाले रोके भैया, माता जी को ले जा। चल भैया, बस आने में तो टाइम लगता, ठीक करा बस ही बता दूंगा। सर इस दहेज वाले मुकदमे में किस चीज का नाम डालूं? अरे मामला दहेज का नहीं यार, प्यार का मामला है। सर आप दहेज वाले मुकदमे के बारे में जानकारी दे रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, किसका था ये? सर शाबाशी दो हमें, पीठ थपथपाओ हमारी, तुलवा दिया रिश्ता। सही में? सही में बिल्कुल। तो गजब कर दिया राजीव यार तने, भाई वाह कमाल, हो गया ना मामला? हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। थैंक यू सर। सर इस बात पर तो मिठाई हो जानी चाहिए। हाँ भाई ले आओ मिठाई खाओ। हाँ तो तू क्या लिख रहा था, दहेज का मामला है? सर जब आपने एक काम सौंपा था ना, तो मैंने जब ही सोच लिया था कि सर ने पहली बार कोई काम दिया है, अगर ये काम ना हुआ ना तो दोबारा इस चौकी को लौट के नहीं आएंगे, नौकरी छोड़ देंगे अपनी, और उस बुढ़िया को बस में बिठाने के बाद सीधा बोल दिया ड्राइवर से, अगर इस बुढ़िया को 2-4 किलोमीटर के दायरे में भी उतारा है ना चालान काट दूंगा। ठीक किया ना सर मैंने? चल ठीक है ठीक है। हाँ भाई क्या मामला दिख रहा है? चाय भी बोली आया ना सबको? हाँ आपके खाते में यार। हाँ भाई तो दहेज का मुकदमा था, कितने नाम लिख दिए इसमें तूने? चार नाम है। अच्छा हाँ माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, मैं तेरे को लड़की देख का ही बड़ा ही बेकार परिवार। अच्छा कहाँ गई थी तू? साकल फूटी गांव में भैया। कर दिया ना नस सर, के हुआ लड्डू कड़वा था के? मेरी माँ थी वो। क्या आपकी माँ? क्या है वहाँ? सर मैं तो देखती समझ गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ हो सकती है। मैंने पुष्पंदर से कहा था कि ये तो बिल्कुल सर की माँ लग रही है, इसलिए सर मैं उसको बाइक पर बिठाकर गांव तक लेके गया और उसके बाद छोड़कर भी आया, और मैंने बोल दिया ड्राइवर से कि ड्राइवर माँ का ध्यान रखना, और जाते हुए मैंने तो उनके चरण भी लिए थे। और रही बात शांति जी की,
अरे सर कौन सी बड़ी बात हो गई, बेटी बाप के घर है और एक बात सबसे बढ़िया ये है माँ घर की है, हमें बाहर से नहीं लानी, दोबारा ले आएंगे। एक फोन करूंगा सीधा साकल पुट्ठी में छोड़ कर जाएगा बस वाला। चुप। अरे के बात है, क्या हो गया, बड़ा हंस रही हो आज तो, बताओ क्या हो गया। दीदी आपको एक बुढ़िया रिश्ता लेके आई थी, हमने तो उसे डरा के भगा दिया। अच्छा मुझे देखने आई, अच्छा ऐसा के कर दिया, कैसे भागी वो बुढ़िया। दीदी हमारे मुंह में जो आया हमने तो वो बक दिया उसके सामने। और मैंने तो सिगरेट सुलगा ली थी। और हम तो आपस में चाय के ऊपर ही लड़ पड़े थे। और दीदी मैंने तो उसके सामने ये तक कह दिया कि शांति दीदी आती होगी हुक्का बना लो। और मेरे दीदी मेरे अंदर तो मात आ गई, मैंने बाल फकेल के बुढ़िया को डरा के भगा दिया। दीदी बुढ़िया तो बिना चाय पिए ही भाग गई। अच्छा जब तुम लोगों ने इतना उसके साथ कर दिया तो तब भाग नहीं था। अरे लेकिन ये बुढ़िया थी कौन, इसे मेरे रिश्ते के लिए कौन लाया, गांव में तो सब हमसे चिड़े हैं। दीदी वो यूं बता रही थी आपने उसके पास कभी चोरों से बचाया था। अच्छा ये वो बुढ़िया है। अरे मैं मामा के घर जा रही थी तो बस अड्डे पे एक चोर इस बुढ़िया का पर्स लेके भग रहा था, हमने पकड़ लिया। अब मुझे के पता था ये बुढ़िया मेरा रिश्ता लेके हमारे घर ही आ लेगी। अच्छा चोर से बचाया।